एक तरफ जहां सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ बैंकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीर खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अंतर्गत गोगरी यूनियन बैंक की है, जहां बैंक में सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ती दिख रही है, जिससे जिला प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय टुडे के लिए खगड़िया से पवन कुमार की रिपोर्ट। यूनियन बैंक गोगरी जी। सर, आपके यहाँ जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहा है, आखिर क्यों? सब कस्टमर सबको समझाया जाता है। बाहर थाना से दो पुलिसकर्मी भी, महिला पुलिसकर्मी है, चूँकि महिलाओं का भीड़ ज़्यादा है, सब लोग उसको सलाह देता है कि मतलब सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। ब्रांच के अंदर हम करवा रहे हैं, ब्रांच के बाहर हम कैसे करवा पाएंगे? पुलिसकर्मी लगी रहती है, वो भी उसी के लिए थाना से हमें हेल्प मांगा है, वो है भी, वो सबको समझाती भी है, इसके बाद भी वो लोग नहीं कर पाती है। आखिर सर बताइए, जिस तरह की बीमारी चली हुई है, सोशल डिस्टेंस नहीं होगा, इतना भीड़ लगा हुआ है बाहर में, तो एक तरफ सरकार जो है हम लोगों को जागरूक करती है, मीडिया आप लोगों का सहयोग करता है, और आप लोग यदि थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो आखिर हम लोग बिहार में जो जिस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, बीच में जाके मैं बार बार लोगों को जागरूक करता हूँ, बगल से थाने की जब गश्त की गाड़ी जाती है वो भी जागरूक करते हैं। हमने तो देखा जो आपके गार्ड बाहर में है वो निश्चिंत से है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, कैसे नहीं मतलब है, वो बार बार जो है पूरे दिन वो खड़ा रहता है उसी काम के लिए, वो नहीं तो क्या कहते, वहाँ बाहर काहे खड़ा रहेगा? सोशल डिस्टेंस से बचाने के लिए सबका पासबुक हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि पासबुक कलेक्ट होने के बाद लोग जो है कम से कम निश्चिंता से अंतराल से रहे, जब नाम बुलाया जाएगा तो वो आ सकता है। बीटी न्यूज से पवन कुमार सिंह का रिपोर्ट।